पहले मैंने सुबह पीलीभीत और इस समय लखीमपुर खीरी का हम लोग सर्वे करते हुए बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण करते हुए मैं यहां पर आपके बीच में आया हूं। 133 गांव जुलाई मास के प्रथम सप्ताह में ही आई इस अतिवृष्टि के कारण बाढ़ की चपेट में है। हजारों हेक्टेयर भूमि जो खेती की फसल की भूमि है वह फसल उससे प्रभावित हुई है। बाढ़ से बचाव के लिए जनप्रतिनिधिगण और स्थानीय प्रशासन यहां पर अभी से पूरी तैयारी के साथ लगा हुआ है। आपने शारदा बैराज के पास और अन्य क्षेत्रों में भी देखा होगा कि समय पर बाढ़ बचाव के उपाय करने के कारण बहुत सारी जगह में अचानक आई इस बाढ़ के कारण जनधन की बड़ी हानि को रोकने में मदद मिली। आपके जो विधायक गण हैं, जनप्रतिनिधि गण हैं, इनके द्वारा जो प्रयास समय पे किया गया था आज उसका परिणाम है कि एक बड़ी आबादी को हम लोगों ने इससे बचाने में मदद की। लेकिन नेपाल और उत्तराखंड से काफी बड़े पैमाने पर पानी छोड़ने के कारण नदी में जलस्तर काफी वृद्धि हो गई थी, जिसके कारण जुलाई के प्रथम सप्ताह में ही बाढ़ की इस विभीषिका से जूझना पड़ रहा है। बचाव के लिए हम लोगों ने एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, पीएसी की फ्लड यूनिट, इन सबको तो लगाया ही है। स्थानीय गोताखोर भी है, हर ग्राम पंचायत में नौकाओं की व्यवस्था के लिए भी कहा गया है। बाढ़ चौकियां भी यहां पर 38 बाढ़ चौकियां भी स्थापित की गई हैं। बाढ़ से 12 जनपद वर्तमान में प्रदेश के प्रभावित हैं और इन बारह जनपदों में राहत और बचाव के कार्य युद्ध स्तर पर चलाए जा रहे हैं। और मैं आज स्वयं भी पीलीभीत और लखीमपुर जनपद का दौरा करने के लिए आया हूं। जनपद लखीमपुर में लगभग 1 लाख की आबादी बाढ़ से प्रभावित है और इसमें हम लोगों ने यहां पर अभी तक यद्यपि कोई जनहानि और धनहानि हुई है, लेकिन जनहानि नहीं हुई है, पशुहानि नहीं होने के समाचार अभी देखने को मिले हैं। लेकिन साथ साथ प्रशासन को पहले से इस बात की हिदायत दी गई है कि सीजन में बरसात में जल जमाव के कारण सांप के काटने से, बिच्छू के काटने से या जंगली जानवरों के काटने की शिकायतें आती हैं। इसके लिए एंटी स्नेक वेनम यानी सांप के काटने का इंजेक्शन और कुत्तों के काटने या जंगली जानवरों के काटने पर एंटी रेबीज का जो वैक्सीन होता है ये सीएससी स्तर पर उपलब्ध करवाने की व्यवस्था हो। पीड़ित परिवारों के लिए जो भी परिवार बाढ़ की चपेट में आया है ये व्यवस्था की गई है कि उन्हें पर्याप्त मात्रा में राहत सामग्री मिले, जिसमें लाई है 5 किलो, भुना चना है 2 किलो, 1 किलो गुड़, बिस्किट है 10 पैकेट, माचिस, मोमबत्ती, नहाने के साबुन, एक 20 लीटर का जैरकिन पेयजल के लिए, क्योंकि अगर बरसात का पानी कोई पिएगा तो उससे नुकसान हो सकता है, स्वच्छ पानी उसको मिल सके इसके लिए क्लोरीन की गोलियां डालने की व्यवस्था, अन्य प्रकार के उपाय भी किए जा रहे हैं। तिरपाल के साथ साथ 10 किलो आटा, 10 किलो चावल, 2 किलो अरहर की दाल, 10 किलो आलू, हल्दी, मिर्च मसाला, 1 लीटर सरसों का तेल और नमक
के साथ साथ जहां घरों के अंदर पानी घुस गया वहां लंच पैकेट उपलब्ध करवाने के भी निर्देश दिए गए हैं। जनप्रतिनिधिगण लगातार प्रशासन का सहयोग करते हुए, जो माननीय विधायकगण हैं वे सभी प्रशासन का सहयोग कर रहे हैं, और प्रशासन एनडीआरएफ एसडीआरएफ पीएसी की फ्लड यूनिट पुलिस आदि की मदद से, स्वयंसेवी संस्थाओं की मदद से प्रभावित परिवारों तक राहत और बचाव के कार्यों को आगे बढ़ाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करेगी। मैंने प्रशासन से भी और जनप्रतिनिधियों से भी प्रस्ताव मांगे हैं कि जो लोग नदी और तटबंध के बीच में हैं हर बार बाढ़ की चपेट में आएंगे, अगर वे अपनी सहमति देंगे तो हम उनको सुरक्षित स्थानों पर बसाने की व्यवस्था करेंगे। इसके लिए उनके लिए आवास वगैरह बनाने की व्यवस्था करेंगे, जैसे कि लखीमपुर खीरी में पहले हम लोगों ने प्रधानमंत्री आवास योजना की एक मॉडल, एक पूरी नई कॉलोनी के रूप में उसे विकसित करने के कार्य किए हैं, और यही कार्य हम लोग यहाँ पर उन बाढ़ पीड़ितों के बचाव के लिए करेंगे। जिस जो भी लोग उससे प्रभावित होंगे या जो लोग उस प्रकार के प्रस्ताव में अपनी सहमति देंगे, हमने प्रशासन से कहा है तटबंधों की सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग की व्यवस्था करें, बाढ़ पीड़ितों को समय से राहत और बचाव के कार्य के साथ जोड़े, किसी को भी कोई संकट न हो, इसके लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। और केंद्र और राज्य सरकार ये भी व्यवस्था की है कि अगर किसी आपदा की चपेट में कोई व्यक्ति कोई किसान चपेट में आता है तो कृषक दुर्घटना बीमा के अंतर्गत किसान या किसान का परिवार या बटाईदार 5 लाख रुपए की सहायता तत्काल उस परिवार को दे दें। जनधन की जन हानि पर भी उन्हें तत्काल राहत आपदा राहत कोष से पैसा दे दें, और यह भी व्यवस्था कर लें कि अगर कहीं कोई पशु हानि होती है तो पशु हानि पर भी उसे तत्काल राहत जो आपदा राहत कोष में अनुमान सहायता वह सहायता तत्काल उसे प्राप्त हो जाए, यह तो सुनिश्चित करना ही है। लेकिन साथ साथ यह भी सुनिश्चित करें कि अगर फसल हानि हो गई है समय पे सर्वे करते हुए उसका मुआवजा भी उनके अकाउंट में तत्काल चला जाए, जिससे अगर किसी को दोबारा फसल लगानी हो तो दोबारा फसल भी लगा सके। इसके लिए भी सरकार लगातार कार्य कर रही है। जो भी पीड़ित परिवार है उनके प्रति हमारी संवेदना है, और मैं उन सबको इस बात के लिए आश्वस्त करता हूं कि हम लोग उनके साथ खड़े हैं और उन्हें हर प्रकार का मदद करेंगे, सहयोग करेंगे। धन्यवाद।